एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाई वी कांट फील अर्थ स्पिन, यानी कि हम अर्थ की मूवमेंट को फील क्यों नहीं कर पाते। हम ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और कभी कभी हम ये सोचते भी हैं कि हम अर्थ की रेवोल्यूशंस को क्यों नहीं देख पाते। और हालांकि ये सही है, हम अर्थ की जो रोटेशंस है उसको फील नहीं कर पाते हैं, और रीज़न क्या है तो वो देखेंगे इस वीडियो में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने रूटीन लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और उन्हीं एग्जांपल्स में से एक है जब हम कार में कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं और कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, राइट? मतलब उसकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कार मूव कर रही है, और हम एकदम रिलैक्स होके आईज क्लोज करके उस कार में बैठे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम कार के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, राइट? इन द सिमिलर वे अगर हम एरोप्लेन की बात करें, ठीक है, तो एरोप्लेन में जब हम फ्लाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक जगह पर बैठे हैं, स्टिल हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जितनी एरोप्लेन की स्पीड है उतनी स्पीड के साथ साथ हम भी मूव कर रहे होते हैं, या एरोप्लेन में और जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी पैसेंजर हैं वो भी एरोप्लेन की स्पीड के साथ ही मूव कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि हम एक जगह पर स्टिल हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, राइट? ऐसा ही केस तब होता है जब हम अर्थ में हैं। तो अर्थ को आप मान लीजिए कि वो एक व्हीकल है और हम उस व्हीकल में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, राइट? तो अर्थ अपनी स्पीड से मूव कर रही है और अर्थ की स्पीड के साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, बट हमें फील नहीं होता है कि हम मूव कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम एक जगह पर खड़े हैं। इसी वजह से हम अर्थ की रोटेशंस को फील नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ऐसी कई सारी जो थ्योरीज हैं वो पास्ट टाइम में कई सारे सारे साइंटिस्ट ने भी दी थी, ठीक है। जो पुराने एंशियंट टाइम्स के लोग थे वो तो ये तक कहते थे कि अर्थ स्टिल है, एक जगह पर खड़ी है, और उसके अराउंड जो है सन या और कई सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये थ्योरी चेंज हुई और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है और एक सेंटर पॉइंट क्या है, सन, यानी कि सन के अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये थ्योरी किस किसने दी थी? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल, जिन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। जियोसेंट्रिक यानी कि अर्थ सेंटर में थी और उसके अराउंड बाकी प्लैनेट्स या सन मूव कर रहे हैं, बट दिस थ्योरी इज टोटली रॉन्ग। इसके बाद एक नई थ्योरी आई और वो थ्योरी निकोलस कॉपरनिकस ने दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में क्या था? सन एक सेंटर पॉइंट था और उसके अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, इंक्लूडिंग अर्थ। तो बेसिकली आपको एक चीज़ तो अंडरस्टैंड हो ही गई होगी कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है या मूव कर रही है, तो उस चीज़ के अंदर अगर और कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, राइट, वो भी उसी स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो अर्थ है वो एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और उसी स्पीड के साथ ही हम भी अर्थ के साथ साथ मूव कर रहे हैं, राइट? तो इसी वजह से हम जो अर्थ की रोटेशंस हैं उसको फील नहीं कर पाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर अर्थ की स्पीड कांस्टेंट ना रहे, यानी अर्थ की स्पीड अप या डाउन हो, तो हम जो अर्थ की रोटेशन है उसको आसानी से नोटिस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का रिवॉल्विंग पाथ है, जो उसका ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करती है। बट इन केस ऑफ कार या इन केस ऑफ एरोप्लेन अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं रास्ते में, ठीक है। कार के केस के अंदर कोई ट्रैफिक आ गया,
एरोप्लेन के केस के अंदर कोई क्लाउड्स आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से जर्क्स लगते हैं, स्पीड अप डाउन होती है। तो ये कई सारे फैक्ट्स हैं कि अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में अगर हम देखें, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, बट अर्थ की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सिंपल। तो इसी वजह से हम जो है अर्थ की रोटेशंस को नोटिस नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल इन माई टुडेज वीडियो, सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।